I would now request the Honorable Speaker, National Assembly, to kindly administer the oath to the Chief Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा के बहसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़ियाम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ्फुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रगबत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये के मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा या इस पर जाहिर न करूंगा जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन हमजा शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के अहदे का हलफ उठा लिया। उनसे हलफ लिया स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने और ये मनाज़रा बराह रास्त देख रहे हैं। तकरीब मुनक़द की गई गवर्नर हाउस में और अब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं हमजा शहबाज शरीफ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये तकरीब मुनक़द की गई थी और हलफ के लिए नामज़द किया गया था स्पीकर कौमी असम्बली को, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली आज पहुँचे गवर्नर हाउस। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को मधु किया गया और हलफ लिया गया हमजा शहबाज से और वज़ीर आला बन गए हैं अब पंजाब के हमजा शहबाज शरीफ। तो हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ पहुंचे आज गवर्नर हाउस
और हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का उन्होंने हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी गवर्नर हाउस में मुनाकिद की गई। काफ़ी बड़ी तादाद में मेहमान यहाँ पर पहुँचे और हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। जबकि दूसरी जानब गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि इस तकरीब को ख़त्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। हमजा शहबाज को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, इस वक्त मुबारकबाद दी जा रही है। और स्पीकर कौमी असम्बली इस्लामाबाद से पहुंचे आज लाहौर गवर्नर हाउस और हमजा शहबाज से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि आज 11:30 बजे तक हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हलफ लिया जाए और ये तकरीब मुनाकिद की गई गवर्नर हाउस में। और अब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली पर राजा परवेज अशरफ यहाँ पर पहुँचे स्पीकर कौमी असम्बली और उन्होंने हमजा शहबाज से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में ये तकरीब जारी है, तकरीब हुई और मरियम नवाज भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हलफ लिया है। वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं हमजा शहबाज शरीफ और ये हलफ उन्होंने उठाया है, राजा परवेज अशरफ ने उनसे हलफ लिया। इसके हवाले से इंटर कोर्ट अपील भी एक दायर की गई है कौमी असम्बली से वज़ीर आला का हलफ लेने के खिलाफ। तो देखना यह है कि क्या उस पर होता है फैसला। जबकि आपको आगाह करें कि हमजा शहबाज शरीफ जिनके वालिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ हैं और वो ख़ुद वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं, ये तकरीब जहाँ पर अब इस वक्त मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, जो मेहमान यहाँ पर आए हैं उनकी जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि वज़ीर आज़म जो हैं वो बाप और उनका बेटा जो है वो वज़ीर आला यानी पंजाब का सबसे बड़ा जो सूबा है पूरे मुल्क का पाकिस्तान का उसके वज़ीर आला बने हैं। तो एक ही जमात से पहले मिसाल ज़रूर मिलती है, वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ ही की है, जब बड़ा भाई वज़ीर आज़म और छोटा भाई वज़ीर आला पंजाब था। लेकिन अब ये मिसाल थोड़ी तब्दील इस तरह से हुई है, पहली बार तारीख रकम हुई है के वालिद जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं और 21वें वज़ीर आला हैं वो पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ, जो कि 26 मुनहरफी की मदद से उन्होंने अक्सरियत हासिल की और वज़ीर आला बने हैं। अब देखना यह है कि जब उनके हवाले से कोई फैसला आता है इलेक्शन कमीशन में और अगर उन्हें डीसीट किया जाता है तो फिर क्या हैसियत होगी इस वज़ारत आला की और हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो बहरहाल अभी भी कुछ कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं हमजा शहबाज शरीफ, जो कि कुछ देर पहले हलफ बरदारी की तकरीब हुई और उसमें हमने देखा कि हलफ लिया उनसे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।